हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है वस्तुनिष्ठ निरीक्षण या प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जेक्टिव या ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? पहली बात तो ये जो हमारा मेथड दिया गया है वो हमारे व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया है। व्यवहारवादी के द्वारा क्यों दिया गया है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप किसी बच्चे का व्यवहार ही जज करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन आप किसी का कर रहे हैं तो आप बच्चे के व्यवहार को ही नोटिस करेंगे कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, किस सिचुएशन में कैसी चीज़ें क्रिएट कर रहा है अपने द्वारा, या कोई भी बिहेवियर उसका किस रूप में रखा गया है किसी भी सिचुएशन में, उसके द्वारा आप अपना मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करेंगे जिस भी चीज़ का आपको बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है। सबसे पहली बात कि ऑब्जर्वेशन में किसी भी व्यक्ति का व्यवहार या घटना को देखकर उसका एक ऐसा क्रमबद्ध रूप तैयार किया जाता है जिससे हम बच्चे के व्यवहार के बारे में अच्छे से पता लगा सके कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हम बच्चे को किस सिचुएशंस में रख सकते हैं या उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को आपको जज करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप क्या उसको कैसे जज कर सकते हैं? आप उसको क्लासरूम से अलग, जब आप वो बच्चा ग्राउंड में खेल रहा होगा वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स के आपके पीरियड्स होते हैं तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं? आप बच्चे को, सभी बच्चों को बोल देते हैं कि ये चीज़ें, ये खेलने की चीज़ें आपके सामने हैं, आपको जो पसंद है आप उठा के खेलिए। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, कोई बैडमिंटन खेल सकता है वहाँ पे, कोई क्रिकेट के लिए फुटबॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर लेंगे। तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस बच्चे का किस प्ले में या किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ओके, और इस मेथड के थ्रू हम बच्चे के कुछ शील गुणों का पता लगाते हैं, जैसे अभिरुचि, यानी कि इंटरेस्ट ही हो गया कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं अभिक्षमता, बच्चे का एप्टीट्यूड या व्यक्तित्व बच्चे की पर्सनालिटी कैसे है, इससे भी आप जज कर सकते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी क्या पर्सनालिटी है। तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसको कैसे, उसकी पर्सनालिटी को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले आप उसके कपड़ों के ढंग से ही ऑब्जर्व करेंगे, उसके चलने के स्टाइल से ऑब्जर्व करेंगे, उसकी चाल ढाल, इन सब चीज़ों से ऑब्जर्व करेंगे। तो व्यक्तित्व हम किसी भी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं, लेकिन वो इंटरनली ना होकर एक्सटर्नली होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का हम प्रॉपर रूप से व्यक्तित्व इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं। आप एक्सटर्नल तो जज कर लेंगे उसके कपड़ों से, उसकी चाल ढाल से, लेकिन इंटरनली आप नहीं बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी किस रूप में है। इसके जो दो स्टेप्स हैं, इनको दो स्टेप्स में रखा गया है। फर्स्ट स्टेप है स्वाभाविक रूप से हम किसी भी बच्चे का प्रेक्षण कर सकते हैं। और सेकंड है सहभागी। सहभागी प्रेक्षण स्वाभाविक क्या हो गया कि किसी भी बच्चे का या व्यक्ति का आपको जिसका ऑब्जर्व करना है, आप उसको बिना बताए आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा खेल रहा है या क्लासरूम में है, तो अगर आपको किसी बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि उसका इंटरेस्ट पता लगाना है या उसकी आपको बिहेवियर जानना है कि किस रूप में है, बच्चा अच्छी चीज़ें कर रहा है गलत चीज़ें कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको बिना बताए उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहीं पे भी, क्लासरूम, टीचिंग में, स्टाफ रूम
के बाहर, प्लेवे ग्राउंड में, पीरियड्स में, तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चे को आप बिना बताए उसके कुछ स्किल्स को ऑब्जर्व करके एक डाटा तैयार कर सकते हैं कि बच्चा इस सिचुएशंस में ऐसे रिएक्ट करता है, इस सिचुएशंस में ऐसे रिएक्ट करता है, इस टाइप का बिहेवियर अपना रखता है। तो वहाँ पे क्या होगा, स्वाभाविक परीक्षण आप कर सकते हैं या बच्चे को पर्सनली बुला के भी आप उससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली बुला के अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे बच्चे से, तो वहाँ पे हो सकता है कि बच्चा आपको प्रॉपर आंसर ना करे, वो आपके सामने इतना कंफर्ट ना हो कि अपनी बातें शेयर कर सके या अपना इंटरेस्ट बता सके, या आप अगर किसी बच्चे की पर्सनालिटी जज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं करेगा। और दूसरा है सहभागी प्रेक्षण के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक्टिविटी के थ्रू आपने बच्चों को कोई क्लासरूम टीचिंग के अंदर कोई एक्टिविटी दे दिया करने के लिए, तो वहाँ पे आप खुद भी इन्वॉल्व होकर बच्चों के ऑब्जर्व बच्चों को कर सकते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़ में कि आपने ग्रुप डिस्कशन रख दिया क्लासरूम के अंदर, तो उसके अंदर 5 बच्चे हो गए, आप हो गए, कि आपने भी इन्वॉल्व कर लिया कि मैं भी ग्रुप डिस्कशन में शामिल होऊंगा, तो वहाँ पे क्या है, आप बहुत सी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं कि बच्चों के विचार क्या हैं, वो किसी टॉपिक को लेके किस रूप में सोचते हैं, उनके माइंड में कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि हर कोई अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अलग तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे क्या है, आप खुद सहभागी बन के एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होके बच्चों के साथ एक पार्ट बन के वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं किसी भी थ्रू किसी भी चीज़ के अंदर जिसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद आते हैं इस एक्टिविटी के गुण और दोष। इसका पहला गुण है वैध और विश्वसनीयता, यानी कि वैलिड है और रिलायबल है। वैलिड और रिलायबल कैसे है, वैलिड ऐसे है कि बच्चा जो भी अपने बारे में चीज़ें कहेगा या बताएगा या बिहेव करेगा या फिर उसकी पर्सनालिटी जो आज है वो भी 4 दिन के बाद रहेगी रहेगी, ये नहीं कि उसकी पर्सनालिटी 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसको वैध और विश्वसनीयता की पैड़ी में रखते हैं। सेकेंड है समय व श्रम की बचत। इसमें किसी भी टाइप के मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में, प्लेवे ग्राउंड में और कोई भी डिस्कशन के अंदर या फिर कोई एक्टिविटीज़ की जा रही है वहाँ पर भी आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी भी ट्रेन मनोवैज्ञानिक को हायर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि इतना मुश्किल मेथड है जो टीचर्स के द्वारा नहीं हो सकता, इसको एज टीचर के द्वारा मॉनिटर के द्वारा भी यूज़फुल है कि हम उसको वहाँ पे बच्चे की किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है असाधारण बालकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, असाधारण बालकों के लिए लाभकारी। जो असाधारण बालक हैं, मतलब इस टाइप के बालक हैं जो किसी रूप से पीड़ित हैं या उनके सामने कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं या कि अपनी फैमिली में नहीं बताते, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते हैं, तो आप उनके बिहेवियर से भी उनकी चीज़ों को जान सकते हैं। अगर कोई बच्चे के सामने कोई मेंटली प्रेशर है उसके ऊपर, कोई फिज़िकली प्रेशर है उसके ऊपर, तो बच्चा क्या है अपने बिहेवियर के थ्रू वहाँ पे अपने आप को शो करता है कि उसको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिस हिसाब से वो अपनी क्लासरूम टीचिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं अलग थलग रहते हैं, कटे कटे क्लास में भी पीछे बैठते हैं, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपने उनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, तो वो वैसे बच्चे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं, जो किसी ना किसी रूप में कट जाते हैं, तो उनके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो अपने आप को बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो कोई भी हो सकती है, या तो फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकती हैं कि बच्चे अपने आप को उस अकॉर्डिंग ना मानते हों, या उनको अपने क्लासरूम में या टीचर्स के थ्रू कोई ऐसी चीज़ें प्राप्त हो रही हों जिससे बच्चे वहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम कर रहे हों,
तो इसीलिए असाधारण बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। जो बच्चे खुद बोल नहीं सकते या अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे उस कंडीशन में आप बच्चे का प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन करके आप उस चीज़ को पता लगा सकते हैं और उसका रेमेडियल बच्चे के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन से मतलब है कि आप बच्चे का जब भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी टीचर के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसके अंदर हम बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं देखते। एकेडमिक रिकॉर्ड तो आपका डाटा से पता चल ही जाता है कि बच्चा कौन सा कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, लेकिन उससे अलग जैसे बच्चे का बिहेवियर, इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें पता लगानी होती हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन वहाँ पे इस रूप से होता है कि टीचर को, मैं हूँ या कोई और टीचर है, जब भी किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेगी तो उसको एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है, और दूसरा आप उसको दूसरे बच्चों के साथ तुलना कर सकते हैं, तो इस रूप में भी यहाँ पे तुलनात्मक इसको रखा गया है। अब इसके दोष भी हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वैसे अभी तक की हमारी टीचिंग में, और बहुत ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव माना गया है, और हमेशा से इसका क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम के बाहर भी कई चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके दोष भी हैं कुछ, वो बता देती हूँ आपको इसके दोष क्या हैं। पहला दोष है प्रशिक्षित व कुशल प्रेक्षक ना होना। फर्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षित व कुशल प्रेक्षक ना होना। कई बारी अगर बच्चे का आपको बिहेवियर जज करना है या कोई भी ऐसा पॉइंट जज करना है, ऑब्जर्व करना है, तो टीचर्स में, मतलब बच्चे के अंदर क्या पता कोई कमी ना हो, बच्चा अपनी तरफ से बिल्कुल 100% हो, लेकिन अगर टीचर में कोई प्रॉब्लम हुई, वो मेंटली इतना स्टेबल नहीं हुआ या इस विधि का ठीक से प्रयोग करना नहीं आया उसको, तो वहाँ पर भी क्या है, जो वो डाटा कलेक्शन करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा बच्चों के लिए, वहाँ पर उसका कोई ना कोई एरर्स मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर को ही नहीं पता कि कैसे ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करना है, किन सिचुएशंस में करना है, आपको क्या क्या उसके लिए तैयारियां करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स को पर ज़्यादा ध्यान देना है या किस पॉइंट को आपको नेगलेक्ट करना है। तो इसीलिए प्रशिक्षित व कुशल प्रेक्षक होना ज़रूरी है, जो आपका अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सके। अगर आपके टीचर में ही कोई कमी है या ऑब्जर्वेशन वाले ऑब्जर्वर में कोई कमी है, तो आपका जो डाटा कलेक्शन होगा उसमें भी एरर्स मिलेंगे। सेकेंड इसमें पॉइंट है पक्षपात होना। पक्षपात होना मतलब पार्शियलिटी हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था एक पॉइंट में कि अगर टीचर के द्वारा ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ किया जा रहा है क्लासरूम में या क्लासरूम से अलग, तो किसी टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट होगा तो वो उसके लिए नेगेटिव देखेगा ही नहीं, वहाँ पे वो उसके पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उन्हीं का डाटा कलेक्शन करेगा, उन्हीं को अच्छे रूप में रखेगा। और उसको कोई स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पसंद या उसकी बात नहीं मानता या उसको मतलब क्लासरूम के अंदर ध्यान नहीं देता, उसको कोई टीचर को उससे कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वहाँ पे क्या है, वो सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ही अचीव करेगा और उसका एक जो डाटा कलेक्शन की रिपोर्ट करेगा उसके अंदर वो सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स ही रखेगा, जिससे उस बच्चे का ऑब्जर्वेशन मेथड ठीक से नहीं हो सकता है। दूसरा है आंतरिक और मानसिक क्रिया का अध्ययन। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू आप केवल बाहरी उसको जज कर सकते हैं, मतलब उसका एक्सटर्नल बिहेवियर ही जज कर सकते हैं। आप उसके मन के अंदर, उसकी मानसिक क्रियाएं, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जज नहीं कर सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, आईक्यू लेवल कितना है, वो किस भी टॉपिक को किस रूप से समझ पा रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ क्या है, आप वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जज नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ ही जाएगी। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मेंटल एबिलिटी इतनी स्टेबल नहीं है कि वो मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझ सके, तो क्या पता क्लासरूम टीचिंग के अंदर वो ऐसे आर्टिफिशियल बिहेवियर के थ्रू आपको गर्दन हिलाकर या ऐसे एक्सप्रेशन देकर प्रूफ कर दे कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। लेकिन आप पर्सनली तो सबको जाके जज नहीं कर सकते ना कि आपको नहीं आया, आप मुझे चलो ये वाला सम सॉल्व करके दिखाइए, वो नहीं हो पाएगा उस पॉसिबिलिटीज़ में। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू आप आंतरिक और मानसिक क्रियाओं को जज नहीं कर सकते हैं बच्चे की।
और थर्ड सॉरी फोर्थ जो पॉइंट है इसका वो है अनियोजित परिस्थितियाँ। अनियोजित परिस्थितियों में क्या होता है कि कई बारी जिस भी टीचर को ऑब्जर्वेशन मेथड अपना यूज़ करना है किसी बच्चे के कोई भी पॉइंट को लेकर, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर के द्वारा कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि वो वहाँ पे नहीं कर सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या बच्चे का ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। अगर बच्चा बोल रहा है मुझे ये चीज़ करनी है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ करने लग जाता है, कोई स्टूडेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, प्रिंसिपल एनवायरमेंट, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं जो बच्चों को चारों ओर से घेरे रखती हैं, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनवायरमेंट या ऐसी परिस्थितियाँ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो उस ऑब्जर्वेशन मेथड में कोई ना कोई एरर्स डाल देती हैं। मतलब वहाँ पे उसको कोई ना कोई जो उसका हम इफ़ेक्टिव बनाने की उसको कोशिश करते हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। अब इसके अंदर आपको पता चल गया कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इसमें किस किस पॉइंट्स को रखा गया है, व्यवहारवादियों ने हमारा दिया है, इसके गुण और दोषों के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारा थर्ड हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो मेथड्स हैं, 3-5-6 मेथड्स हैं आपका हो जाएगा इस क्लास में, तो मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू।